Hey, what is going on guys? HR is here. Hope you guys are having a great day. Welcome back to the channel. So guys, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा था, हमने डर्बी के अगेंस्ट जो मैच है वो जीत चुके थे और आज हमारी एक स्पेशल मैच है जो हमें जीतना ही पड़ेगा. तो ये मैच जो है वो है इंग्लिश कप की. तो इधर हमें कुछ दिक्कत की बात है, वो है हमारे जो कुछ अच्छा भला प्लेयर है वो उन लोगों के स्टेमिना थोड़ी कम है और इधर जो हमारी दूसरी एक गोलकीपर है वो फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है. तो हमें हमारे जो रेगुलर गोलकीपर है उसे ही खिलाना पड़ रहा है. लास्ट मैच में जिस सेंटर फॉरवर्ड ने गोल किया था मैंने उससे आज टीम में लिया जर्विस की जगह, क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा कि लास्ट मैच में जर्विस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया. सोच रहा था कि उसे थोड़ी रेस्ट चाहिए तो मैं उसे रेस्ट दे देता हूँ. और इधर जो है गोयोस को मैंने टीम में ले लिया था. और ये देख सकते हैं आप लोग हमारी जो स्टार्टिंग 11 है. और इधर मैं गियोर्जा को राइट बैक से शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो बेसिकली राइट बैक में ही खेलता है, लेकिन मैंने उसे कुछ दिन लेफ्ट बैक में खिलाया था. और इधर हमें लेफ्ट बैक में एक बहुत ही अच्छा जो यंगस्टर ढूंढा, वो बहुत ही बढ़िया खेलता है. देखते हैं आज मैच में कैसे परफॉर्म करता है. तो इधर किक ऑफ हमारी हो चुकी है और ये जो है नॉर्विच वो खुद के पैरों में बॉल रखकर खेलता है. देखो दोस्तों, 2 मिनट में ही अटैक में जा चुका है. और ये जो इसकी ही बात कर रहा था, ये लेफ्ट बैक जो है वो काफ़ी बढ़िया खेलता है. और देखो कितने अच्छी तरीके से बॉल लेकर दौड़ रहा है. और यह और इधर मिडफील्ड भी पार कर चुका था लेकिन कल्सन ने बॉल खुद के पैरों से खो दिया. और ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया सी टैकल. लेकिन उधर अगर कोई होता शायद उसे बॉल मिल चुके होते, कोई नहीं. लेकिन ये जो है हमारे लेफ्ट बैक, ये हमारे अब से परमानेंट खेलने वाला है. तो उन लोगों की जो आज की टैक्टिक्स है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है. उन लोगों ने खुद के पैरों से, ओ नाइस शिट, कितनी बढ़िया शूट था. लेकिन गोल पोस्ट की राइट से निकल गया और हमारे जो गोलकीपर है वो काफ़ी बढ़िया ड्राइव किया था. देखते हैं आगे क्या होता है. उन लोगों ने काफ़ी तगड़ा खेल रहा है आज. पता नहीं आज हमारी टीम को क्या हालत होगी. ये गोयोस को बॉल मिल चुका है, पैलेस्टर को दिया था लेकिन काफ़ी बुरी शॉट थी. और इधर हमारी पास जो है वो 100% एक्यूरेट है. तो इधर हमारा जो डिफेंडर है वो भी काफ़ी बढ़िया खेल रहा है. और इधर और एक दिक्कत की बात है, जो है हमारा एक अच्छा डिफेंडर वो आज फॉर्म में नहीं है और उसकी स्टेमिना भी थोड़ी कम थी. तो आज हमें एक जूनियर डिफेंडर खिलाना पड़ रहा. जूनियर या सीनियर मुझे पता नहीं, लेकिन उसे मैं कभी खिलाया नहीं. तो देखते हैं वो उन लोगों ने कैसे परफॉर्म करता है. तो इधर गोयोस को उन लोगों ने थका कर भागा रहा है. और एरिक्सन को तो हमने टीम में ले लिया. ओ कैसलैन की एक अच्छी सी शूट, लेकिन वो ने डिफेंड कर चुके हैं. और सेकेंड जो शूट था वो भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन गोलकीपर ने ऐसा पकड़ा कि ये कोई नहीं है. तो ये जो गोलकीपर है वो मुझे तो लग रहा है काफ़ी बढ़िया है. और ये कल्सन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉल को टैकल करके हासिल कर चुके थे, लेकिन उन लोगों की जो डिफेंस है उसके आगे हम अब तक कुछ नहीं कर पाए. तो देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं. इधर कल्सन ने काफ़ी बार उन लोगों के पीछे दौड़ रहा है. हमारी टीम के जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा है उन लोगों की टीम के पीछे, लेकिन हमारी प्लेयर को बॉल ही नहीं मिल रहा. इधर कैसलन को बॉल मिला था, पैलेस्टर को दे दिया. अब ग्रीनविले के पैरों में बॉल, पैलेस्टर, गियोर्जा देखते हैं कैसे खेलता है. और ये जो गियोर्जा है वो काफ़ी कवर पास मिस कर जाता है. तो आज आशा करूँगा कि वो आज ऐसा नहीं करे. कैसलडाइन एंड उसकी शूट, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी बढ़िया डिफेंड कर दिया. उन लोगों ने पैर दे के ये बॉल की जो फोर्स है वो काफ़ी रुक दिया. ये जो उन लोगों का डिफेंस है वो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ये तो मुझे पता नहीं था. ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है क्योंकि हमारे जो टीम के, ओ नाइस, उन लोगों ने काफ़ी बढ़िया शूट किया. लेकिन हमारे गोलकीपर भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी दिक्कत है कि उसकी स्टेमिना आज कुछ कम है. ये पैलेस्टर को पैरों में बॉल, अटैक में जाते हुए और शूट किया, लेकिन बहुत ही दूर से शूट किया. शूट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों की डिफेंस जो है वो पकड़ के रखा था. सो मुझे शूट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था. तो इधर जो वसील है उसने व्रैनी को बॉल दे दिया, कैसल लाइन को, गोयोस को बॉल मिला, इधर कल्सन को बॉल मिला. कल्सन आगे बढ़ते हुए देखते हैं कैसा खेलता है.
ये दिया गयोस को, गयोस ने शेट, गयोस ने थोड़ी सी अगर ज्यादा शक्ति से बॉल को पास किया होता शायद वो कैसलडेन को मिल चुका होता और ये हमारी एक गोल करने की बहुत बढ़िया मौका हमने गवा दिया। और इधर पुकी की पैरों में बॉल दिया बैक पास, ये जो है वो हो गया एक कॉर्नर, हमारा जो डिफेंडर्स है उनकी बॉडी में लग के ये कॉर्नर हो गया। देखते हैं ये अब कैसे कॉर्नर को डिफेंड करता है। ओ शिट, ये तो शॉर्ट कॉर्नर दिया, ओ माई गुडनेस, एरिक्सन ने मिस कर दिया ये, ओ नाइस, ओ शेट 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 मैन, ये जो हमारा जो टीम है वो गोल कंसर्न कर चुका है। ये हमारे लिए अब बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि हमारा जो अटैक है वो काफ़ी बढ़िया नहीं है और उन लोगों की जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और ये जो हमारे गोलकीपर है वो काफ़ी बढ़िया कोशिश किया था, लेकिन देखो दोस्तों ये रिप्ले में क्या हुआ, ये पास दिया, ये गोल पोस्ट पे लगकर चला आया, लेकिन हमारा जो वो डिफेंडर है नंबर 6 हैटिक वो आगे चला गया, इसकी वजह से उसके उसको ही बॉल मिल चुका है फिर से। ये तो हैटिक नहीं, ये ग्रीन विले है शायद, नंबर 8 था ये तो। अब क्या होगा मुझे पता नहीं, देखते हैं, पूरी कोशिश होगी कि हम अब इस मैच को बाहर निकालें। देखते हैं ये जो है उन लोगों ने बॉल को, उन लोगों को फिर से मिल चुका है, ये जो पुकी की पैरों में बॉल, इधर वसील ने बॉल ले लिया, रैनी के पैरों में बॉल, अब रैनी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए कैसल लैन को बॉल मिला, ये कैसल लैन की पास थोड़ी खराब थी। और इधर जो शूट है वो काफ़ी अच्छा था गोयोस की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने अब गोलकीपर को फिर से बुला लिया कॉर्नर करने के लिए क्योंकि पिछले मैच में आप लोग देखा ही था कि कितनी बढ़िया कॉर्नर कीर्ति है हमारी जो गोलकीपर। ये जो वसील को मैंने सिलेक्ट किया वो जंप क्यों नहीं कर रहा, शेट। और ये क्या कासलेन आज काफ़ी बुरा खेल रहा है, ये देखो जो वो आगे पीछे घूम रहा है लेकिन टैकल ही नहीं कर पा रहा, उसकी स्टेमिना भी काफ़ी ख़त्म हो चुका है। देखते हैं, ओ नाइस, इधर बॉल हमें मिल चुका है पास, ओ ये क्या किया, शेट शेट शेट, ये अगर बिल्कुल पास की प्लेयर को दिया जाता तो शायद गोल हो जाता, लेकिन वो ने दिया कार्लसन को और कार्लसन काफ़ी दूर था। और इधर हमें मिल चुका है कॉर्नर, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये जो हमारा नया लेफ्ट बैक है उसे मैं बॉल देता हूँ, इसका हेड, और ओ माय गुडनेस कितनी बढ़िया हेड था, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से चला गया। ये जो बंदा है वो काफ़ी बढ़िया खेलता है। और इसी के साथ साथ हमारा जो हाफ टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और ये देखो उन लोगों की 1-0 में लीड और हमारी टीम के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रेशर एक पड़ चुका है। देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं, इधर हमने कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना सेकेंड हाफ में घुस चुके हैं। और देखते हैं बॉल दे दिया मैंने मेरा गोलकीपर को लेकर आगे बढ़ते हुए ग्रीन विले की पास बॉल, ग्रीन विले ने आज जो किया उसकी तो मैं अब क्या ही बताऊँ, वो प्लेयर को छोड़ के प्लेयर से पीछे चला गया, वो मिड फील्ड में चले जा रहे थे, ये तो काफ़ी दिक्कत होगी हमारी टीम के लिए क्योंकि अब तो 1-0 हो गया। और शायद कुछ देर में हम देखो दोस्तों हमारा पोजीशन भी अब नहीं रहा, उन लोगों ने पोजीशन में लीड कर रहा है तो बॉल भी नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे, उन लोगों ने जो बढ़िया बढ़िया पास दे रखा है हमारे टीम के प्लेयर, ओ शेट डिफेंस फुल्ली खाली है, वो टैकल करता हूँ, नाइस, ये क्या हुआ, ओ शेट पेनल्टी अगर ना दे तो ही बच जाता हूँ, ओ भाई तू निकल इधर से, ओ शेट, ये जो मेरा नया नया लेफ्ट बैक लिया टीम में उससे ऑलरेडी एक येलो कार्ड मिल चुका है। देखते हैं को रेफरी क्या देता है, जाक बच गया कि फ्री किक हुआ, पेनल्टी नहीं, ये ओ बढ़िया शूट था, अगर इस हमारे डिफेंसिव वॉल में ना लगती ये शायद गोल हो जाता जो क्योंकि हमारी इधर से गोल कंसर्न करने का बहुत बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। ओ नाइस, इधर उन लोगों की जो हेड है वो भी हमारे गोलकीपर ने शायद नहीं गोलकीपर नहीं वो बार में लग के बाहर निकल गया। और इधर जो मैंने फिर से गलती कर चुका था गोलकीपर ने बहुत ही बढ़िया सेव किया, इधर मैं जो वसील को बॉल देता हूँ और वसील जो उसके बाद पास देता है आगे वो काफ़ी बुरी एक पास होता है। और इधर उन लोगों की जो एक एमलेस हेड थी इसके साथ साथ ही हो गया हमारा गोल किक, अब मैं उससे और आगे से नहीं देने वाला क्योंकि वसील जो है पास काफ़ी कबार बहुत ही बेहुदा पास दे देता है और इस हमारे टीम के कुछ दिक्कत हो जाता है।
गोयोस को बॉल मिल चुका है, गोयोस के पैरों में बॉल, पेलेस्टर को देता हूँ, पेलेस्टर गोयोस को बैक पास दिया आगे बढ़ने के लिए और शूट। ओ भाई ग्रीन विलेज क्या खेल रहा है, शेट मैन, ये अगर पास ये शायद थोड़ी सी अच्छा होता तो शायद हमें एक गोल की लीड मिल चुका होता। अब उन लोगों की काउंटर अटैक झेलो। ओ शेट ब्रैनी, ब्रैनी भी क्या खेल रहा है आज, आज हमारे टीम की कुछ बहुत ही बुरा खेल रहा है हमारे टीम आज। और इधर मैं काफ़ी कवर परेशान ऑलरेडी हो चुका हूँ और आप लोग जैसे देख रहे हो मेरी फुल अटैकिंग चालू है, अल्ट्रा अटैकिंग जिसे कहता हूँ। और ये तो उन लोग की फिर से अटैक पैटक करे जा रहे हैं और हम तो उन लोगों के डी बॉक्स में भी घुस नहीं सकते क्योंकि उन लोग की जो डिफेंस खड़ा कर दिया ना, हमें तो अब बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये क्या मैन, शिट, मेरे राइट बैक ने बहुत ही एक अच्छा मौका गंवा दिया। ये अब क्या कहूँ मैन, ऐसे अगर मौका गंवाया जाए तो टीम के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। इधर वसील ने हेड किया था लेकिन पुकी के हेड के आगे उसकी हेड कुछ भी नहीं था। और इधर जो है उन लोगों ने फिर से अटैक में जा चुका है। उन लोगों की जो काउंटर अटैक है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उन लोगों ने अटैक पे अटैक करने का मौका मिल रहा है और अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। और इधर मैंने कर्लसन को बॉल दे दिया और कर्लसन से गोयोस को, और इधर जो है मैंने गोयोस से बहुत ही बढ़िया एक पास देने की कोशिश की लेकिन वो उन लोगों के गोलकीपर के हाथ में चला गया और उन लोगों के गोलकीपर भी काफ़ी आगे आकर बॉल को पकड़ लिया। इधर हमारा जो वसील है उसने बॉल को टैकल करके ले लिया और जियोर्जा ने बहुत लेट कर दिया और ये कितना बेहुदा पास दिया, शिट मैन, ये जियोर्जा आज कुछ बहुत ही बुरा खेल रहा है। इसका मैंने लेफ्ट बैक में ही खिलाना अच्छा था, मैंने देखा कि वो राइट बैक में बहुत अच्छा खेलता है तो इसलिए मैंने उसे राइट बैक में दिया लेकिन वो आज काफ़ी बुरा खेल रहा है, शायद आगे से मैं उसे लेफ्ट बैक में खिला और ना ही खेला वो पता नहीं। और इधर मैंने दो सब्स्टिट्यूट कर दिया, हैटिक और आर्कस को टीम में ले लिया और देखते हैं अब इन दोनों ने हमारी टीम के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं कि नहीं। इधर हैटिक ने बॉल दिया जोयस को, जोयस तो कर्लसन को, कर्लसन जोयस गोयोस को, और इधर पेलेस्टर से मैंने एक बहुत ही बुरा डिसीजन ले लिया क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ सकता था लेकिन मैंने बैक पास दिया जल्दबाजी में और ये मेरे टीम के लिए अब भारी पड़ चुके हैं। और देखते हैं हमारे पास अभी भी 14 मिनट्स है, 14 मिनट्स में हम कोई एक गोल दे सकते हैं या नहीं देखते हैं। और इधर उन लोगों की एक बढ़िया सा काउंटर अटैक था लेकिन मेरा जो डिफेंडर है नंबर 30 नया जो लेफ्ट बैक लिया वो काफ़ी बढ़िया खेल रहा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और ये जो है मेरे टीम के लिए अब परमानेंट हो चुका है और इतनी बढ़िया डिफेंस, इतनी बढ़िया पेस, मुझे तो नहीं लगता मैं शायद और किसी भी प्लेयर में है मेरी टीम के। तो इधर मैंने पेलेस्टर को बॉल दे दिया पेलेस्टर में जाते हुए और बैक पास अब दूंगा क्योंकि उधर से मेरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये जो है भाई देखो नंबर 5 जो है फिर से गलत पास दे दिया और जिसको देना था उसे ना देकर ओपोनेंट को दे दिया और इधर जो है फिर से काउंटर अटैक हो चुका है। और इधर जो हमारा नंबर 30 है फिर से इंटरसेप्ट करके बॉल को बचा लिया वरना यह भी शायद गोल हो जाता। गोयोस को पैर में बॉल एंड गोयोस ने आगे दे दिया, शेट। इधर 5 मिनट है हमारे टीम के, अब क्या होगा मुझे पता नहीं और मुझे तो अब डर लगने लगा है क्योंकि ये शायद एक नॉकआउट मैच है क्योंकि इंग्लिश कप के मैच पहले मैच से ही नॉकआउट मैच होता है और उन लोगों ने तो काफ़ी बढ़िया खेल रहा है अभी तक। और देखते हैं हमने ये कप के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। आर्कस उसके पीछे क्यों दौड़ रहा है भाई, क्या कर रहा है, शिट मैन। इधर उन लोगों ने दो सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं और इधर मैं भी एक सब्स्टिट्यूट कर लिया जो गोयोस को बाहर निकल कर जार्विस को टीम में ले लिया। और हमारा जो पोजीशन देखो दोस्तों 46% वो कमते ही जा रहे हैं, ये ट्रेड मार्केट है क्या, हमारा जो पोजीशन इतना ख़राब हो रहा है। और इधर एक बहुत ही बढ़िया चांस था जार्विस के पास लेकिन वो ने उसको गंवा दिया। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम 3 मिनट्स है, ये ऑफसाइड हुआ, मेरे को तो लगा था कि 3 मिनट्स की जगह 1 मिनट से ही रेफरी ने विसल दे दिया। और 30 सेकेंड है, एक तो गोल कर दो भाई, ये क्या, ओह शिट, पास
ये पास शूट, हैटिक ने शूट किया था, लेकिन ये कॉर्नर हो चुका है। ये हमारा गोलकीपर भी इधर आ चुका है, एक्स्ट्रा टाइम भी ख़त्म। देखते हैं आप क्या होता है, एक मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ये भाई बॉल को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये क्या बेहुदा पास दिया, शेट मैन, ये मेरा कोई भी प्लेयर बॉल रिसीव नहीं कर रहा। ओह शेट शेट, आप तो कोई नहीं। ये देखो भाई, 3 मिनट की जगह 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया, फिर भी मेरा टीम एक गोल नहीं कर सका। ये भाई आज तो बहुत ही बेहुदा खेला राइट बैक ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि मेरा आज क्या क्या गलती थी, और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे बूट फेंक के मारो, या फुटबॉल मुझे नहीं पता वो बस क्लिक हो जानी चाहिए। तो चलो मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।